नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। वाराणसी के थाना सिगरा अंतर्गत शिवपुरवा के जयप्रकाश नगर कॉलोनी वासियों के दिन अब बहुरने वाले हैं। क्षेत्र में व्याप्त भीषण जल जमाव, गंदगी, रेलवे के द्वारा रास्ता को बंद किए जाने को लेकर क्षेत्रीय लोगों द्वारा विगत कई महीनों से लगातार सरकार से मांग कर धरना प्रदर्शन जारी था, जिसके बाद आज मामले को गंभीरता से लेते हुए आज कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव क्षेत्रीय लोगों के बीच जल निगम और जलकर नगर निगम व रेलवे के अधिकारियों के संग पहुंचे। क्षेत्र में व्याप्त गंदगी शीघ्र ही निजात दिलाने के साथ ही आम लोगों के आवागमन के लिए 12 फीट के रोड देने का वादा करा। क्षेत्रीय लोगों को भरोसा दिलाया। इस दौरान विधायक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। नाम सौरभ श्रीवास्तव है, मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का वाराणसी कैंट से विधायक हूँ। विधायक जी, इस एरिया में जहाँ पाए यहाँ पे जो है मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी दिखाई दे रही है, जल निकासी नहीं हो पा रहा, रेलवे की चारदीवारी उठाई जा रही है, जनता का विरोध काफी लंबा है, कैसे क्या करेंगे? देखिए, यहाँ आने के आज दो विषय हैं। 15 वर्षों के सपा बसपा के शासनकाल में पूरी तरह से अनियोजित विकास हुआ, जो भी या तो विकास हुआ नहीं, हुआ तो अनियोजित हुआ। बहुत गलत तरीका है ये, किसी मोहल्ले की सीवर लाइन डलवा के उसे पोखरे में मिला दिया जाए। पर वर्षों पूर्व शिवपुरवा की सीवर लाइन इसी पोखरे में मिला दी गई थी, ये ठीक नहीं है। इससे इस क्षेत्र में बड़ी गंदगी रहती थी। रेलवे के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और जलकल के अधिकारी, ये संयुक्त दौरा था। भाजपा के पार्षद, स्थानीय पार्षद, सब हम लोग यहाँ आए। हमने ये तय किया कि जो सीवर लाइनें पोखरे में मिलाई गई हैं, जो नाला पोखरे में मिलाया गया है, वो सबको कैपेसिटी के आधार पर जितने चौड़े पाइप की आवश्यकता लगे उतना चौड़ा पाइप लगा के प्रॉपरली नाले से मिला दिया जाए कि पोखरे का पानी साफ हो जाए। बहुत सुंदर उस पर रेलवे की योजना, अच्छा पोखरा बनाने की, अच्छा झील टाइप बनाने की, बहुत सुंदर लगेगा। आज जो आप आ रहे हैं, जिस तरह का सीन आपको दिख रहा है, आज से कुछ साल के बाद आपको यहाँ आने का मन करेगा, इतना सुंदर हम इसे बनाएंगे। विधायक जी, यहाँ दूसरा विषय ये है, ये जो शिवपुरवा बस्ती है इसमें मुश्किल से 4 फीट 5 फीट की गलियाँ हैं। सिर्फ 2 व्हीलर इस गली में जा सकते हैं, 4 व्हीलर उधर से सिगरा की तरफ से 4 व्हीलर नहीं आ सकता। अगर किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो एकमात्र यही रास्ता है जिससे बस्ती से किसी को लिया जा सके। इसलिए मैंने रेलवे से मांग की है कि जो पार्क और तालाब यहाँ बनाया जा रहा है उसके बीच में एक 12 फीट का रास्ता छोड़ दिया जाए कि कोई गाड़ी इधर से जा सके, टेम्पो जा सके, रिक्शा जा सके, एम्बुलेंस जा सके। आपका कहना है कि ये रेलवे बोर्ड तय करेगा, मैं रेलवे बोर्ड को पत्र लिखूंगा और यहाँ के निवासियों को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं इसके लिए पुरजोर प्रयास करूँगा कि इनको इधर से एक रास्ता मिल जाए।